नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं लगता। यहां पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिलते रहते हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है वैसी वीडियोस भी मिलती रहती है। तो ऐसे अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से चैनल को, ये रेड कलर का बटन है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको अपडेट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो का टॉपिक। तो आपको बता दूं, अगर आपने सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था और आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप अपनी फीस का रिफंड चाहते हैं, तो कैसे आप ऑनलाइन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो चीज मैं बताने वाला हूं। और बाकी लोग जिनको ये नहीं पता कि रिजल्ट आ चुका है और कैसे चेक करना है, तो वो भी बने रहे मेरे साथ। मैं दोनों ही ऑप्शन जो है आपको बताऊंगा कि किस वेबसाइट पे जाके आपको किस तरह से ये चीज चेक करनी है। सबसे पहले आप लोग गूगल में आ जाएंगे, गूगल के अंदर सिंपल सर्च कीजिए CSAB, ठीक है। ये CSAB जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होगी CSAB 2017। ये आपको जूम करके मैंने बता दिया, और ज्यादा जूम कर देता हूं, ठीक है। ये है वेबसाइट CSAB.NIC.IN। चलिए अब मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूं। चलिए ये हो गया और यहां पे क्लिक करना है। जो लोग तो अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल यहां पे आ जाएंगे। ये देखिए CSAB 2017 अलॉटमेंट रिजल्ट, यहां पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। चलिए इसे पेज को अभी आप ओपन होने दीजिए, इतनी देर तक मैं आपको जो रिफंड फीस रिफंड है वो बता देता हूं। तो आपको सबसे ऊपर यहां पे ये देखिए फीस रिफंड JOSSAA सीट एक्सेप्टेंस फीस और स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस यहां पे दिया हुआ है। या तो आप यहां से क्लिक करके भी आ सकते हैं या फिर यहां पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, तो ये पेज यहां पे अभी ओपन हो जाएगा, इसे कोई बात नहीं। चलिए तो ये पेज जो है मेरा रिजल्ट के लिए चेक होने के लिए जो पहला पेज था वो ओपन हुआ है कुछ इस तरह से। तो आपको यहां पे अपना रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट के बारे में। अब हमें ये अगर किसी को अपना पासवर्ड भूल गया है तो यहां पे फॉरगेट पासवर्ड करके वो जो है रिकवर कर सकता है पासवर्ड भी। अब बात आती है फीस की, तो इसके लिए भी ये पेज ओपन होगा रिफंड पे। जब आप यहां पे क्लिक करते हैं, आप यहां पे क्लिक करेंगे रिफंड के लिए, तो ये पेज ओपन होगा। यहां पे भी आपको रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट की डिटेल जो है आपका बैंक अकाउंट वो यहां पे डिटेल फिल करनी है और आपको सीधे ही आपके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। आप जैसे बहुत हैं हजारों लोग हमारे इस देश में, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैंने तो आप तक ये वीडियो पहुंचा दी, अब आपकी बारी है। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए सिंपल फेसबुक पे जाके सर्च कीजिए समझ आया क्या और फॉलो कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।